सो यहाँ अभी सामान रखा जा रहा है गाड़ी में जल्दी जल्दी। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा आप लोगों ने देखा ब्लॉग में कि जल्दी जल्दी सामान रखा जा रहा है गाड़ी में, सो हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम लोग मतलब मैं और स्वास्तिक, और ये हमारा मेरा और स्वास्तिक का पहला ऐसा ट्रिप है जो हम दोनों बस जा रहे हैं, इसमें ना ये है और ना ही मम्मी है। सो मैं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी घबराई हुई हूँ भी, परेशान भी हूँ कि कैसे मैनेज करूँगी मैं अकेले बच्चे को अपने, और देखते हैं जैसा जो भी होगा मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। सो अभी हम निकल दिए हैं और हमारी ट्रेन जो है 11:40 पे है ना, हाँ, तो अभी हम निकल दिए हैं, घर से रास्ते में ही हैं और जहाँ जा रहे हैं आपको आने वाले ब्लॉग में ज़रूर पता चल। सो घर से तो हम निकल दिए हैं लेकिन ये बेंगलोर का जो ट्रैफिक है ये हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है, और साथ ही में मेरे हस्बैंड का मीटिंग भी चल रहा है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए वो गाड़ी में अटेंड किए हैं। और अभी समय हो रहा है 9:52, अभी बहुत टाइम है, हमारी ट्रेन जो है 11:40 पे निकल देगी। और ये देखो रात में बेंगलोर कितना खूबसूरत लगता है, ये लाइट्स और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बहुत ही सुंदर लगता है। सो बाय बाय बेंगलोर, आपसे मिलते हैं 1 महीने बाद। और यहाँ जो है हम अभी स्टेशन पहुँच जा चुके हैं, ये यशवंतपुर स्टेशन है और ये एवरीवन, तो अभी हम स्टेशन पहुँच गए हैं और आप देख सकते हो स्टेशन कितना खूबसूरत है। और ये रहा मेरा ट्राइपॉड, गिर गया ट्राइपॉड भी गिर गया मेरा। हम अंदर पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है वो लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे कितना भीड़ है ये तो देखो, कितने सारे लोग हैं जाने के लिए, भरे पड़े हैं पूरा स्टेशन। आप एक्साइटेड हो? थोड़ा हैप्पी हो जाओ, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? स्वास्तिक को ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन आप तो मेरे साथ जा रहे हो ना, तो अब तो थोड़ा हैप्पी हो जाओ, क्यों परेशान हो? परेशान नहीं होते, ओके ओके। अभी मम्मी प्यार कर रही है इसको, चलो सब निकलो आप लोग, बाय मम्मी, ठीक है जाते हैं, बाय बाय, जाए चले जाएंगे, अब एक बार ट्रेन बैठ गए तो कोई प्रॉब्लम, जाओ अब आप लोग, बाय बाय, देख लो एक बार स्वास्तिक दादी को देख लो, से बाय बाय। हाँ हाँ, तो सो यहाँ पे मम्मी और खंडी चले गए हैं और अभी ट्रेन खुलने में बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी हम लोग आकर बैठ गए, उनकी मीटिंग्स भी हैं, ठीक है। तो अभी हमारी जो ट्रेन है 11:40 पे ही खुली है, ये आप देख सकते हो ट्रेन खुल गई है। स्वास्तिक अब हम जा रहे हैं, खुश हो? अभी हम लोग सोने जा रहे हैं, रात में बज गए हैं 12। स्वास्तिक से गुड नाइट टू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, सो गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग गोरखपुर जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में नहीं 2 दिन लगेंगे बेटा, कल पहुंचोगे रात में। अच्छा मैं आंटी हूँ आपकी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सो अभी हम लोग उठ गए, उठने को तो कब का उठ गए, लेकिन अभी स्वास्तिक भी उठ गया है और यहाँ पर वो फ्रेश होकर लेज खा रहा है पहले मॉर्निंग में। और अभी हम लोग कहाँ पहुँचे इसका कोई भी आइडिया नहीं है, बट ट्रेन बहुत लेट है और हम लोग अभी सिकंदराबाद पहुँचने वाले हैं, मे बी 11 बजे, लेट्स सी। अभी कहीं भी ये रोक दिया था, अभी लास्ट टाइम इन्होंने एक जंगल में ही रोक दिया था। और यहाँ पे ये देखो अभी तो खेत देख रहे हैं, ये फूलों के खेत है। तो स्वास्तिक का भी यहाँ ब्रेकफास्ट चल रहा है, स्वास्तिक क्या पी रहे हो आप, क्या पी रहे हो? लीची जूस और ब्रेड बटर चल रहा है ना, एंजॉय करो। सो अभी हम सिकंदराबाद पहुंच चुके हैं और सिकंदराबाद पहुंचने के बाद मैंने चाय पी लिया क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं कुछ किया था, इसलिए सोचा चलो एक कप चाय पी लेते हैं।
और अभी देखते हैं क्योंकि ट्रेन मैं कोई अभी यहाँ लेगा पर कब तक। ऑरेंज खा रही हूँ। स्वास्तिक और उसके फ्रेंड नीचे मस्ती कर रहे हैं। से हेलो स्वास्तिक, अंश का से हेलो, से हेलो। यहाँ पे स्वास्थ्य की एक फ्रेंड बन गई थी ट्रेन में, उसका नाम हंसिका था। उसके साथ ये खेल रहे थे, इन दोनों का ऐसा था कभी फ्रेंडशिप हो रही थी तो कभी एक दूसरे से गुस्सा हो जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। एक पल में हैप्पी, एक पल में गुस्सा, फाइट भी कर ले रहे। मैं आपको मजा आ रहा है? हाँ क्यों मजा आ रहा है ये तो बताओ रीजन। आइसक्रीम खाने को मिल रहा लेकिन गोरखपुर कब आएगा? है। गोरखपुर आने में बहुत टाइम है बेटा, कल पहुंचेंगे। रात को आपका हाँ कल रात को। भाईचाम। हे एवरीवन, सो अभी हम नागपुर पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा है 9 बज गया, 9 बजे ही पहुंच गया था नागपुर। मस्त हमने खाना पीना खा लिया है, सोने की तैयारी करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में। और ये रहा नागपुर का स्टेशन। अगर यहाँ ऑरेंज आता फिर मैं ऑरेंज परचेज करती हूँ। मैं स्वास्थ्य के साथ अकेले हूँ इसलिए नीचे नहीं उतर सकती हूँ। सुना है नागपुर के संतरे जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर आता है तो लीजिए। नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग, अभी रात होगा तो हम लोग गोरखपुर पहुंच जाएंगे, तो थोड़ी देर कुछ भी बोलना है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, सो अभी हम मुरई पहुंच गए और इस ट्रेन में जो पेंट्री नहीं है इसलिए जो अपना जो गाड़ू है ब्रेड बटर हम लोग लेकर आए हैं, वो खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और रही बात स्वास्तिक के साथ, ये सफ़र फिलहाल अभी तक का तो बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि हमारे साथ में बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं, तो इसलिए आराम से ये हो गया। अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो उसको मैं साथ लेकर जाती थी, और कुछ भी हुआ लाइक मुझे तो वैसे कुछ बाहर स्टेशन से उतरना है नहीं, सारा सामान सब लेकर आए थे। और स्वास्तिक के साथ ये सफ़र मेरा बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है ना स्वास्तिक, और स्वास्तिक भी खूब इंजॉय कर रहा है। स्वास्तिक की एक फ्रेंड भी बन गई है अंशिका, है ना स्वास्तिक, वो अभी वॉशरूम गई, अभी आएंगे। ओके यहाँ अंकल ने हमें सैंडविच दिया है, एक्चुअली स्वास्तिक जो देख रहा था बोल रहा था सैंडविच बना रहे, तो अंकल ने दिया, बहुत अच्छा। अब खाकर देखते हैं कैसा है सैंडविच, हम लोगों ने खाया, कैसा लगा आपको? बहुत टेस्टी है। हे एवरीवन, सो अभी हम पहुंच गए हैं कानपुर। स्वास्तिक को अभी से बोरिंग लगने लगा, अभी तो अंशिका उतरी भी नहीं है, यहाँ पे अंशिका उतर जाएगी। सो अभी हम कानपुर आ गए हैं और टाइम क्या हो रहा है स्वास्तिक? 8 बजे, टाइम 11:56 हो रहा है। सो कानपुर में मैक्सिमम ट्रेन जो है खाली हो जाएगी, और ऐसा सुनने को आ रहा है कि यहाँ पे गोरखपुर वाले भर जाएंगे। रुको, ये रही अंशिका उसकी मम्मा। अंशिका, अंशिका। वो नहीं सुन रही है, स्वास्तिक अंशिका अंशिका चिल्ला रहा है। अरे रुक जाओ, शोर मत करो अंशिका। ओए बाय। बाय बाय अंशु, बाय बाय। तो अभी हमारा पिज्जा जो है डिलीवर हो चुका है लखनऊ में, अब इसको खाते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट। ओ ये रहा पिज्जा, कैसा है स्वास्तिक, कैसा है? ऐसे बस कौन खा के बता दिया। हे एवरीवन, सो अभी हम लोग गोरखपुर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक स्टेशन पड़ता है डोमिनगढ़, तो वहाँ से अभी ट्रेन फाइनली इस बार ऐसा हुआ कि रुका नहीं है और वहाँ से निकल गई है ट्रेन, और अभी लगभग 5 मिनट में हम लोग गोरखपुर पहुंच जाएंगे। और मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स को बताया नहीं है कि मैं आ रही हूँ, बीच में आज मम्मी का कॉल भी आया था और पापा से भी बात हुई है, वो लोग पूछे कहाँ है, मैंने तो बोल दिया मैं बैंगलोर में ही हूँ, और ऐसा बोल दिया कि नेटवर्क इशू है इसलिए आप लोगों से बात नहीं हो पाएगा, वीडियो कॉल सिर्फ ऑडियो कॉल ही बात हुआ है। मेरी मम्मी उतना ध्यान नहीं देती है और पापा से भी थोड़ा सा ही बात हुआ है,
और उन लोगों को उस समय कोई चाय वाला भी नहीं आया जिससे उन लोगों को कोई आइडिया हो कि हाँ हम ट्रेन में हैं, फाइनली बच गए। अब मिलते हैं आपसे स्टेशन पे, पहुंच गए हैं हम लोग गोरखपुर। तो ये है हमारा गोरखपुर शहर, आप लोग देखो। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म स्टेशन पे नहीं पहुंचे, बट ये रूट है जो गोरखनाथ जाता है। कितना खूबसूरत है, ये मिरर की वजह से थोड़ा क्लीन नहीं आ रहा होगा बट बहुत ही अच्छा है। ऐसे देखो कुछ। हे एवरीवन, सत्यम पहुंच गया, जल्दी निकलो। दो मिनट लेट पहुंचा लेकिन स्टेशन तो फाइनली हम लोग गोरखपुर पहुंच गए। इधर भी हाँ चले, थैंक यू भैया, बाय करो। चलिए सो अब घर पहुंचते हैं और मम्मी पापा को सरप्राइज देते चलते हुए। सो फाइनली हम लोग गोरखपुर पहुंच गए हैं और स्टेशन के बाहर वेट कर रहे हैं हम ऑटो का। और ये रहा जिसको देखने के लिए आंखें तरस गई थी, यूपी 53। ए छुपा देता भैया हल्ला। सो अभी हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और यहाँ सामान भी हमारा रखा गया है और निकलते। स्वास्तिक, यू आर एक्साइटेड टू मीट नानी? नानी से मिलना है, बहुत खुश हो? ओके फिर चलते हैं और मम्मी पापा को सरप्राइज देते हैं, उनको कोई भी आइडिया नहीं है अभी तक। चलते मिलते हैं। ये है हमारे गोरखपुर की सड़कें, ये है रेल म्यूजियम। देखिए चारों तरफ लाइट्स कितनी सुंदर लग रही है। मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ इसलिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, मज़ा आ रहा है। स्वास्तिक आपको आ रहा है ना? सो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं और किसी को भी आइडिया नहीं है कि हम आ गए। ये रहा मेरा घर, अब सामान उतारते हैं और फिर घर में जाकर सबको सरप्राइज देते हैं। सो अभी हम घर पहुंच गए हैं, हम लोग धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं ताकि और लोगों को पता ना चले। सो अभी घर पहुंच गए हैं और अब इन लोगों का रिएक्शन देखते हैं। दीदी कर रहे हैं क्यों? एक गंदे से कपड़े में मेरा ब्लॉग व्लॉग नहीं जाना चाहिए। पहली हो जाएगा, एक गंदे से कपड़े में लाइट ऑन करो तो और ब्राइट आना चाहिए। चाहे हिना से तू पहुंच गई कि अमनाथ के जमीन कहीं से आई ली है? ट्रेन से? ट्रेन से तो पता नहीं, कसम से ट्रेन से ये पूछा वो सब कुछ बताए। गुड़ नहीं छू जाता है, गुड़ नहीं छू, दोबारा छू, ब्लॉग भी नहीं आया है। गंदे कपड़े में नहीं आना चाहिए ना, मोटे से आ रहे हैं। अरे स्वास्तिक हमारा बहुत साथ दिया है, वो स्वास्तिक बोला था कि हम नहीं बताएंगे, स्वास्तिक बहुत साथ दिया है। और ये देखो आते ही होली हो रहा है यहाँ पे। सरप्राइज
मम्मी इमोशनल हो गई। कहीं किसने बात खराब चलो। हे एवरीवन, सो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। मैंने सोचा था कि सरप्राइज दूंगी, पता नहीं खाना खाने को मिलेगा कि नहीं, लेकिन खाना खाने को मिल गया है। तो आप भी सरप्राइज दे सकते हैं, आप लोगों को भी खाना खाने को मिल सकता है, लेकिन घर में हाँ किसी एक पर्सन को आप बता कर रखो तभी मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। से बाय 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 बाय। हाँ चलो बाय बाय।